दोस्तों आज हम बेल पत्र से होने वाले फायदे के बारे में बात करेंगे। बेल वृक्ष को तो आपने अवश्य ही देखा होगा। ये एक विशाल वृक्ष होता है और ये कांटेदार होता है तथा इस पर जो पत्र होते हैं ये तीन तीन जोड़ी में लगते हैं और ये पत्र भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। यूँ देखा जाए तो बेल वृक्ष पूरा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके फल पेट के रोगों की रामबाण जड़ी बूटी माना जाता है। ये अनेक प्रकार के पेट के विकारों को दूर करता है और स्वस्थ बनाता है। गर्मियों के मौसम में बेल फल के गुद्दे का शरबत बनाकर पिया जाता है जो पेट के कई रोगों को दूर करता है और गर्मी को कंट्रोल में रखता है। दोस्तों बेल वृक्ष के पत्र तीन तीन जोड़ों में लगते हैं और भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये पत्र पूजा के अलावा औषधीय कार्यों में भी उपयोग में लिया जाता है? दोस्तों बुखार होने पर बेल की पत्तियों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार सेवन करने से बहुत फायदा होता है। यदि मधुमक्खी या किसी कीड़े ने काट लिया हो तो ऐसी स्थिति में बेल पत्तों को कुटकर उसका रस निकालकर उस जगह पर लगाने से जल्दी ही फायदा होता है और जलन दूर होती है। यह हृदय रोग में काफी लाभकारी होता है। इसके लिए ताजे बेल पत्रों का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार सेवन करने से हृदय मजबूत बनता है और हार्ट अटैक का खतरा टलता है। यह श्वास रोग में भी काफी फायदेमंद होता है। श्वास रोग की समस्या होने पर बेल पत्तों का ताजा रस निकालकर सुबह शाम पीने से काफी लाभ होता है। दोस्तों गर्मी के मौसम में कई लोगों को अक्सर मुंह में छाले हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोमल कोमल बेल की पत्तियों को मुंह में चबाने से छाले नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों मौसम बदलने के साथ ही सर्दी जुकाम और बुखार होना एक आम बात है। ऐसे में ताजे बेल पत्रों का रस निकालकर शहद मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने से जल्दी ही आराम होने लगता है। दोस्तों बेल पत्रों का रस पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और आंतों के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा छोटे बच्चों को दस्त की समस्या होने पर बेल पत्रों का 1 से 2 चम्मच रस पिलाने से फायदा होता है। दोस्तों यह मधुमेह में लाभकारी होता है। मधुमेह में बेल के ताजे पत्रों को 10 ग्राम की मात्रा में लेकर पानी के साथ पीचकर 5 काली मिर्च का चूर्ण मिलाए इसे पानी में घोलकर सुबह खाली पेट सेवन करें। इससे मधुमेह में लाभ होता है। इसके अलावा बेल पत्रों का 10 ग्राम रस सुबह खाली पेट सेवन करने से भी मधुमेह में फायदा होता है। महिलाओं में श्वेत प्रदर यानी सफेद पानी की समस्या होने पर बेल पत्रों के ताजे रस के साथ शहद मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने से काफी फायदा होता है।